भारत के T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद अब टीम इंडिया का T20 में टेस्ट शुरू होने वाला है। इस टेस्ट के लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। बता दें कि सीरीज 5 मैचों की होगी और संन्यास लेने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा इस टीम में हिस्सा नहीं रहेंगे। इस टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है। इसके अलावा टीम के इस दौरे के लिए हेड कोच राहुल द्रविड़ की जगह BBS लक्ष्मण होंगे, जो पूर्व में भी भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग की कमान संभाल चुके हैं। राहुल द्रविड़ का बतौर हेड कोच भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सफर 29 जून को खत्म हो गया है। बता दें कि इस सीरीज के लिए टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो गई है, जिसकी फोटोज भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से शेयर कर दिए गए हैं, जहां टीम के साथ BBS लक्ष्मण भी दिखे, जो भारतीय टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा BCCI ने फोटो शेयर किए, उसमें टीम के अन्य सदस्य भी दिख रहे हैं। इसमें पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए अभिषेक शर्मा और रियान पराग जैसे खिलाड़ी भी हैं। देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुख्य स्क्वाड में शामिल 15 में से 13 खिलाड़ियों को इस दौरे से आराम दिया गया है। वर्ल्ड कप स्क्वाड से सिर्फ यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को ही इस दौरे के लिए चुना गया है। शुभमन गिल, आवेश खान, रिंकू सिंह और खलील अहमद को T20 वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में चुना गया था और वह मुख्य टीम का हिस्सा नहीं थे। गिल, रिंकू, आवेश और खलील को भी टीम में जगह मिली है।